इतना ज्यादा शाइन कर रहा है कि आप खुद से बनाओ और ऐसा ग्लो पाओ। मतलब एक रुपए भी आपका बाहर से नहीं खर्चा होना है, जो कुछ है आपके पास उससे आप इतना शाइन वाला खुद से घर में बेस बना सकते हैं। शादी पार्टी या फिर डेली यूज में आप कहीं जा रहे हो ना, तो आप इजली ये वाला बेस आराम से तैयार कर सकते हो, फेस पे लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो प्यारी इसलिए होने जा रही है क्योंकि हम बहुत महंगे प्रोडक्ट रोई ग्लॉसी मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ, एक मेकअप बेस जिसे आप शादी पार्टी या फिर डेली आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इसका डिफरेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फर्क मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही आसान है। इसको आराम से बनाइए घर में और 10 से 15 दिन तक आराम से लगाइए। इसे सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा वाला बेस बन सकता है। आप इसे डेली ऑफिस जा रहे हो तब भी हल्का सा बस फिंगर की हेल्प से लो, फेस पे अप्लाई करो, काफ़ी अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी देर तक टिक रहेगा। ठीक है, इससे पहले आपको जिसमें बनाना है एक बाउल ले लो, कुछ भी ले लो, या जिसमें स्टोरेज करके रखना है डायरेक्ट फूड ले लो। तो यहाँ पे एक काउंस का छोटा सा बाउल ले रही हूँ मैं, और इसमें सबसे पहले मैं मिला रही हूँ एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लो। ठीक है, आपको या तो फिर 2 दिन 5 दिन जितने दिन के लिए बनाना है उस हिसाब से बना लो। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल ले लिया। अब हम इसमें विटामिन ए की कैप्सूल लेंगे। ठंड का टाइम है, फेस पे ग्लो होना तो बनता ही बनता है ना, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक विटामिन ए की कैप्सूल। इसको हम हल्का सा कट करेंगे। अब हम इसमें 1-2 ड्रॉप हमने विटामिन ए की कैप्सूल ऐड कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें क्या लेना है, इसके बाद हमें कोई भी आई पैलेट ले लेना है। और आई पैलेट हर किसी के पास मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आई पैलेट ना मिले। तो यहाँ से एक आई पैलेट लेना है और इसमें से आप कोई भी हाईलाइटर शेड पिक कर सकते हो, वाइट पिंक जैसा आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड लूँगी, कहाँ गया ये वाला, क्योंकि ये ये वाला एज अ हाईलाइटर और थोड़ा सा पिंक सा भी काम करेगा, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाओ तो थोड़ा सा पिंक पिंक फेस पे तो बनते ही बनता है ना। तो इसको हम निकाल लेंगे किसी चीज़ से, कुछ लाइनिंग हूँ मैं, एक मिनट इससे ही निकाल लेती हूँ। ये कैप है इस तरीके से, आप किसी चीज़ से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से ये ऐड हो गया है इसमें बस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कुछ भी फाउंडेशन, जो आप फाउंडेशन लगाते हैं ना वो फाउंडेशन ले लो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही वही हो, 30 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी आपके पास है वो सिंपल आप फाउंडेशन ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन फिटमे का फाउंडेशन, मेरा शेड है 310। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, 250 रुपये में मिल जाता है, ठंडियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। तो इसको हम ऐड करेंगे इसमें, जितना आपको बनाना है ना उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, होगी। ठीक है, अब आपको कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे ले लेना, हुडा ब्यूटी हो, कोई भी हो, A to Z वो लेना है और थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, ये हमारा जो मेकअप होगा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, काफ़ी देर तक चलेगा। 3 बार स्प्रे कर लेना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा हमारा मेकअप जल्दी निकलेगा नहीं, 24 घंटे तक चलेगा, काफ़ी अच्छा खासा बेस रेडी हो जाएगा। ये देखिए फिंगर की हेल्प से, और ये मेरा कम से कम 7-8 दिन आराम से चलेगा, आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान लगाता नहीं। अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाएंगे, यू ठीक है, आप देख सकते हो, यू हमें लेना है और अप्लाई करना है। सो बस अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं पार्टी के लिए बता रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया, मतलब एक्स्ट्रा क्या, पार्टी के हिसाब से लगाया है। अगर आप दिन में जाते हो तो आप हल्का सा भी लगा सकते हो, या ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपके फेस पे एक सडनली सा ग्लो देखने को मिलेगा, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा सडनली सा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे, आप देख सकते हो।
है ना? कैसा लग रहा आप लोग बताइएगा। बस से बनाओ ऐसा बेस, पार्टी शादी कहीं पर भी जाओ आराम से लगाओ। अब मेरे फेस पे अभी ना लाइनर है, ना काजल है, ना आईब्रो पेंसिल है, कुछ भी नहीं है। बस सिंपल तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने अपना लिया और काफी अच्छा खासा मुझे रिजल्ट मिल गया। एक बार मैं हैंड पे आपको लगा के दिखाती हूँ तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? पहले ये वाला बेस हम लगाते हैं अपने हैंड पे, इसको रख देती हूँ, हैंड पे लगाती हूँ मैं। सॉरी उल्टा की थी तो क्या देखिएगा, ये देखिए कितना शाइनी, कितना अच्छा बेस बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना शाइन कर रहा है, जिससे लग रहा है कि कुछ हमने फेस पे उतने अच्छे से मेरे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी आप देखिए इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है कि आप खुद से बनाओ और ऐसा ग्लो पाओ। मतलब एक रुपए भी आपका बाहर से नहीं खर्चा होना है, जो कुछ है आपके पास उससे आप इतना शाइन वाला खुद से घर में बेस बना सकते हैं। शादी पार्टी या फिर डेली यूज में आप कहीं जा रहे हो ना, तो आप इजली ये वाला बेस आराम से तैयार कर सकते हो, फेस पे लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि बस मैंने थोड़ा सा लगाया था, थोड़े में ही इतनी अच्छी खासी मुझे कवरेज मिल गई। अगर आप बहुत अच्छे से लगाओगे तो फिर क्या। अब मैं इधर ये लगा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये देखिए नॉर्मल सा मैं आपको लगा के इधर ऐसे दिखा रही हूँ, तो आप देखो ये देखिए कितना ज्यादा ये शाइन कर रहा है और उसमें कोई भी शाइन नहीं है। डिफरेंट आपको देख के समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये ग्लो पिंक सा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे पिंक वाला जो शेड था वो मिक्स किया है। इतना अच्छा बेस शायद ही आप कहीं बना सको, इतने अच्छे से ये शाइन कर रहा है। और मेरा फेस भी देख सकते हो जैसे ये शाइन कर रहा ना, ये देखिए ये भी उतना ही शाइन कर रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा वाला अगर आप बेस बनाना चाहते हो बिना एक रुपये खर्चा किए, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो फिर से मैं एक अच्छी सी ऐसी ही होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो आपके पास है उससे आप इतना अच्छा खासा बेस कैसे बना सको, ठीक है? सो चलो मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।